कारण है कि अगर आप जिंक और लेड के प्राइसेस देखें जो पिछले एक साल में जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो एक काफी एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान जिंक जो है जिंक और लेड का प्राइमरी स्मेल्टर है या प्राइमरी प्रोड्यूसर है, लेकिन जो पॉन्डी ऑक्साइड जो मैं स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ ये सेकेंडरी स्मेल्टर है। उनके दो प्लांट है, एक कांचीपुरम तमिलनाडु में और एक रेणीगुंटा जो तिरुपति के पास में आंध्र प्रदेश में। और कंपनी जो पिछले एक्चुअली अगर आप देखें FY जैसे मैंने बताया पिछले एक साल से लेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ये जो FY 16 का परफॉर्मेंस था काफी डल था, कंपनी ने FY 17 में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया क्योंकि लेड के प्राइसेस बढ़े। अब जो अगर आप यही ट्रेंड देखें तो Q1 के रिजल्ट्स नतीजे इनके काफी अच्छे आए YOY के हिसाब से, Q2 में प्राइसेस और ज्यादा बढ़े। और जो अगर आप देखें ये जो मेनली है लेड एसिड बैटरी को केटर कर को सप्लाई करते हैं और लेड एसिड बैटरी जो है ऑटोमोबाइल्स और नॉन ऑटोमोबाइल्स में जाती है। 60% उनका कंजम्पशन जो है ऑटोमोबाइल्स में होता है, 40% नॉन ऑटोमोटिव्स और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में होता है। अगर मैं कंपनी के Q1 के नंबर्स पे चलूं 240 करोड़ की टॉप लाइन, पैट है 7 करोड़ का, EPS है ₹12.60 का। जिस हिसाब से राइजिंग ट्रेंड है लेड प्राइसेस का, हमारा अनुमान है कि FY 18 में EPS तकरीबन ₹60 के आसपास आ सकता है जो FY 17 में ₹50 था। यानी एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी पे कंसिस्टेंसी है। और अगर आप इस चीज को देखें तो शेयर जो है करीबन 7-7.5 या 8 के पी मल्टीपल पे आपको मिलता है FY 18 के एस्टिमेटेड EPS ₹60 पे। अगर आप 50 पे भी पकड़े तो भी आपको शेयर जो है करीबन 9 के पी पे मिलता है। ओवरऑल बहुत अच्छा है, छोटी इक्विटी है 5.5 करोड़ की, नेटवर्थ करीबन 75 करोड़ है, प्रमोटर का स्टेक जो है 51% है। तो अच्छे Q1 के नतीजे, अपट्रेंड जो है मार्जिन्स में और सेक्टर में उस पर एक पॉजिटिव व्यू, इन सभी चीजों को देखते हुए शेयर जो 456 पे चल रहा है इसका हमारा लक्ष्य है कि 545 का भाव जो है आपको अगले 6 महीने में दिखा सकता है। Okay, तो ये है स्टॉक आपके लिए जहां पर निवेश के लिहाज से आप देख सकते हैं मौका। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद